मैं तरुण शर्मा आपका मेरे यूट्यूब चैनल आस्था चिकित्सा में स्वागत करता हूँ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा में हम सुजोक के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमने हमारे हाथ की मसाज बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, चाहे आप थंब जिमी से इस तरीके से उसे मसाज कर लो आप पूरे मेरिडियंस को और पूरे हाथ के पॉइंट्स को, बिंदुओं को। अब ल्यूकोडर्मा में मुख्य बिंदु जो है, जो देखे जाते हैं, वो है GV20 नंबर का पॉइंट, GV14 नंबर का पॉइंट। तो GV20 नंबर का जो पॉइंट है वो आएगा हमारे, ये हमारा गवर्नल वेसल है, यहाँ पर आप GV20 का ट्रीटमेंट कर सकते। साथ ही साथ हम GV14 नंबर का जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आएगा, ये दो बिंदु को हमने मार्क किया है। उसके बाद हम LIV लीवर मेरिडियन में हम 7 नंबर का पॉइंट हम देखेंगे, लीवर मेरिडियन हमारा यहाँ पर 7 नंबर का पॉइंट को हम नोट करेंगे। साथ ही साथ LI 11 नंबर का पॉइंट जो है वो हमारा ये LI मेरिडियन, यहाँ से ये बिंदु आएगा हमारा इसके एग्जैक्ट यहाँ पर LI 11, और एक आएगा SP 6 नंबर का पॉइंट, SP 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ SP 10 नंबर का पॉइंट हम लेंगे, ये SP 10 नंबर का पॉइंट। आप लोग पॉइंट्स को आप लिख लेंगे और फिर इसे ढूंढ लेंगे चार्ट में तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ K3 नंबर का पॉइंट हम ट्रीट करेंगे यहाँ पर, K1 K2 एंड K3 यहाँ पर, और दो बिंदु हम ट्रिपल आर्मर के लेंगे, TW3 और 5। तो ट्रिपल वार्मर का जो आएगा बिंदु TW3 एंड 5। तो टोटल जो बिंदु हमें इसमें करने हैं ल्यूकोडर्मा के लिए, श्वेत कुष्ठ के लिए, उन बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए, GV20, GV14, LIV7, LIV7, LI4 एंड LI11, SP6, SP10 एंड K3, इन सारे बिंदुओं को हमें स्टिमुलेट करना है, GV20, GV14, LIV7, LI11, LI4 SP6, SP6, SP10, और इन बिंदुओं पर हमें टेप के माध्यम से, सेलो टेप के माध्यम से, पेपर टेप के माध्यम से वाइट स्टार मैग्नेट जो है वह लगा देने हैं। और यह ट्रीटमेंट आप नियमित रूप से आप करते रहिए। साथ ही साथ जो ल्यूकोडर्मा इस तरीके से इन बिंदुओं को हमने लगाना है, साथ ही साथ हमने एक काम और करना है कि जो बिंदु प्रभावित क्षेत्र है ल्यूकोडर्मा का, उस पॉइंट्स को, उन क्षेत्रों को करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स में हमें मसाज देनी है। तो इस तरीके से आप सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा में सुजोक मेरिडियन के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।